नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से भारत की मेजबानी में शुरू होने जा रहा है। वहीं इससे पहले भारतीय टीम को 30 अगस्त से शुरू हो रही एशिया कप में भी हिस्सा लेना है, लेकिन अभी तक टीम ने एक दिवसीय प्रारूप के दोनों बड़े टूर्नामेंट को लेकर अपना स्क्वाड घोषित नहीं किया है। इसी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि अगर विराट कोहली कप्तान होते तो भारतीय टीम अब तक विश्व कप के लिए तैयार हो गई होती। क्रिकेटबाज यूट्यूब चैनल पर राशिद ने कहा कि टीम इंडिया के प्रबंधन ने मध्यक्रम में काफी प्रयोग किया है। हाल ही के दिनों में 1 से लेकर 7 नंबर तक कई बल्लेबाजी प्रयोग किए गए हैं, जिस कारण भारत के खिलाड़ी अभी तक सेट नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि अगर इस समय भी कप्तान विराट कोहली होते तो इस समय तक भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से सेट हो गई होती। भारतीय टीम की बात करें तो प्रबंधन ने वाकई में पिछले मुकाबले में काफी प्रयोग किए हैं। वेस्टइंडीज के साथ हुई सीरीज में भी कई बल्लेबाज क्रम के प्रयोग अपनाए गए, लेकिन बावजूद इसके टीम को इसका नतीजा नहीं मिला। यही वजह है कि भारत को 15 सदस्य स्क्वाड अभी तक जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने कहा कि इससे कोई संदेह नहीं है कि पिछले 2 सालों में कई उम्मीदवारों को कप्तानी सौंपने के बाद भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर उन्होंने विराट कोहली को कप्तान बने रहने दिया होता तो भारत अभी तक विश्व कप के लिए 100% तैयार होता। गौरतलब है कि इस सप्ताह के अंत तक भारत को 15 सदस्य स्क्वाड की घोषित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। एशिया कप का स्क्वाड ही संभवतः विश्व कप का हिस्सा लेगा। आप रशीद लतीफ की बात से कितना सहमत रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।